बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय सेल्फ वहीद अहमद, वेलकम टू द लर्नर एकेडमी। टुडे वी डिस्कस अबाउट सोशल साइकोलॉजी अप्लाइड। जो टॉपिक है वो है सोशल साइकोलॉजी इन कोट्स। अब इसका मकसद जो है, हमने साइकोलॉजिकल थ्योरीज और प्रिंसिपल को कोर्ट में और लीगल सेटिंग में डिस्कस करना है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आई विटनेस और जो जूरर्स को, जजमेंटर्स को अफेक्ट करती हैं, वो चीज़ें देखनी। अब जो सोशल साइकोलॉजी अप्लाइड है, ये कोई सेपरेट सेक्शन सिलेबस का नहीं है। ये सोशल साइकोलॉजी, इसको सोशल साइकोलॉजी ही कंसिडर किया जाता है। ये थ्योरीज पे बेस करती है और सोशल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल पे। और जो इसको हम डिफरेंट सेक्शन सिलेबस और जिस तरह कि हम पर्सनल परसेप्शन, एटीट्यूड फॉर्मेशन, परसुएशन, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, इन वे एंड सो ऑन, इस वे में इनको डिस्कस करते हैं। जो सोशल साइकोलॉजी है, इसको सोशल सेटिंग में, वैरायटी ऑफ सोशल सेटिंग में डिस्कस किया जाता है। जो ह्यूमन इंटरेक्शन की फील्ड है, हम टू एरियाज को डिस्कस करते हैं जिनमें इफेक्टिवली नॉलेज इज़ वेरी इफेक्टिवली अप्लाइड, दैट इज सोशल साइकोलॉजी इन क्लिनिक्स एंड सोशल साइकोलॉजी इन कोर्ट्स। जो सोशल साइकोलॉजी इन कोर्ट्स है, हमारा मेन टॉपिक जो है वो सोशल साइकोलॉजी इन कोर्ट है। अब इसके बारे में इंट्रोडक्शन ये है कि सिवियरल क्वेश्चन जो हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सोशल साइकोलॉजी इंटरेस्ट लेते हैं कोर्ट सेटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आई विटनेस टेस्टिमोनी, हाउ ट्रस्ट विद द आई विटनेस रिकोलेक्शंस, हु वट मेक्स अ क्रेडिबल विटनेस, के जो प्रूफ होते हैं उनको लेने के लिए या उनके बारे में शवाहद इकट्ठे करने के लिए लायर्स, जजेस, डिफेंडेंट्स, वो उनके बारे में जो कुछ क्वेश्चन हैं वो रेज होते हैं। अब जो सोशल साइकोलॉजी है, वो किसी भी कल्चर, नॉर्म्स, ट्रेडिशन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, उसके अलावा पीपल जो हैं वो स्ट्राइक कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा हाउ इम्पोर्टेंट आर परसेप्शन ऑफ द जजेस आर मीडिएटर नेचुरली ऑनेस्टली, उसके अलावा नेक्स्ट वन जो है, एट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्राइम टू बी डिफेंडेंट्स, टू हैवली रिसर्च सेट्स ऑफ फैक्टर्स। सोशल साइकोलॉजी जो है उसके बारे में टू जो हैवीली रिसर्च फैक्टर्स हैं उनमें है कोर्ट रूम ड्रामा, जो जजमेंट्स और डिफेंडेंट्स करते हैं ज्यूरर्स जजमेंट को जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसके अलावा करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द ज्यूरर्स एंड देयर डेलिब्रेशंस, उन दोनों के बारे में जो है आई विटनेस टेस्टिमोनी और अदर इन्फ्लुएंस जो होते हैं जजमेंट जूरी में, इनको डिस्कस करना। आई विटनेस जो टेस्टिमोनी है परसुएसिव होता है, उसके अलावा जो है हाउ एक्यूरेट आर आई विटनेस, अब आई विटनेस किस हद तक ठीक हैं, उनको सोशल सेटिंग में साइकोलॉजिस्ट जो होता है उनको असेस करता है, उनके बारे में डेटा रिकलेक्शन करता है, उनको जो मिसेज होती हैं, कलेक्शन होती है, उनको रेट करता है, उनके बारे में जो डेटा है उसको देता है। फैक्टर जो होते हैं आई विटनेस टेस्टिमनी को अफेक्ट करते हैं, उनमें है स्ट्रेस और अरेवियल। जो स्ट्रेस है वो मेमोरी को इनक्रीज करता है, जो बट डिक्रीज मेमोरी फॉर व्हाट प्रोसीड एंड फॉरवर्ड द इंसिडेंट। वेपन फोकस इफेक्ट जो होता है इसके आगे टू है कि पीपल टेंड टू कीप देयर आई ऑन वेपन उनके डेंजर की वजह से, और ये जो है ये इन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है उनकी अटेंशन को फ्रॉम द रॉबर्स। ऑन रेस बाइस, पीपल आर मोर एक्यूरेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग मेंबर ऑफ देयर ऑन रेस, जो उनके अपने रेसिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा कल्चर टू कल्चर वेरी करती है, जो अपनी रेस के हों उनको, जो अपनी नस्ल के, अपने इलाके के हों उनके पहचान करना ईजी होता है। रिटेंशन इंटरवल, एक्यूरेसी ड्रॉप्स विद टाइम रैपिडली एट फर्स्ट एंड लेवल्स ऑफ, उसके अलावा जो है सजेस्टिव क्वेश्चन, इनमें होता है कि द वे विटनेस और क्वेश्चन इन्फ्लुएंस देयर मेमोरीज ऑफ द इवेंट, किसी भी इवेंट्स के रिलेटेड उनके जो मेमोरी है वो उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। उसके अलावा है शो अप्स, ask witness to indicate whether or not a single witness in the preparator, uske alawa simultaneous lineup, sequential lineup, three hypotheses for how post event information affects memory, jinme hai overwriting hai, forgetting hai, source monitoring hai। log jo hai wo apni memory ko retain rakhte hain both event aur post event information ke liye,
लेकिन जो मेमोरीज हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एविडेंस जो है इस टेक्निक को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा मिनिमाइज फॉल्स लाइनअप आइडेंटिफिकेशन, एजुकेट जूरर्स होते हैं वो कंपेलिंग और जूरी जो के असाइड बेसिस बायसनेस होती है मुनसर होती है उसके बारे में जो रिजल्ट्स होते हैं उनके बारे में था। लाइनअप इंस्ट्रक्शंस में पोस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन आता है। एक्यूरेसी वर्सेस कॉन्फिडेंस होता है कि जो आई विटनेस कॉन्फिडेंस होता है वो भी हो सकता है कि गुड प्रिडिक्टर ना हो। उसके अलावा जो है एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस, जो उसकी परसेप्शन एंड मेमोरी हो किसी भी इवेंट के रिलेटेड वो भी उसके एटीट्यूड को इफेक्ट कर सकती है। उसके अलावा जो अदर्स हैं इन्फ्लुएंसेस ऑन जजमेंट्स, जिनमें है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, कि हो सकता है कि हम उसको फिजिकली देखें कहें कि ये बंदा ऐसा नहीं हो सकता, या उसको हम खुद ही तखमीना लगा दें कि ये बंदा हो सकता है फिजिकली क्रिमिनल हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सोशल साइकोलॉजी इन कोर्ट्स। लीगली तौर पर हम सोशल साइकोलॉजी किस तरह यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।